सो गाइज, आज हम पहली बार वीडियो बनाने जा रहे हैं अपने G29 के ऊपर। एंड सेटअप तो हो चुका है, देखते हैं अभी ये कैसे वर्कआउट होता है। एंड एक छोटा सा जॉब करके देखते हैं ETS 2 में। मैंने कुछ सेटिंग करके रखे है इसकी गेम की, जो कि मेरे लिए कंफर्टेबल है ड्राइविंग कंडीशंस के लिए। देखते हैं आगे चल के ये कैसे वर्कआउट होता है, कैसे एक्सपीरियंस रहता है अपना, वो सारी चीज़ें हम देखेंगे इसमें। चलिए शुरू करते हैं। यू आर अबाउट टू हॉल स्पेशल ट्रांसपोर्ट कार्गो। देर आर टू एस्कॉर्ट व्हीकल विच यू लीड टू। ओके, यहाँ पे टू एस्कॉर्ट व्हीकल है। प्लीज़ बी केयरफुल, देर लो लीड सजेशन इन द रूट एडवाइजर। ओके, स्पेशल ट्रांसपोर्ट लाइक दिस डोंट स्टॉप ऑन द रेड सिग्नल एंड हैव राइट वे ऑन। ओ वाह, ये तो अच्छा है भाई, रुकने का ज़रूरत ही नहीं है। ड्यूरिंग दिस डिलीवरी चेक पॉइंट्स आर मेड मोर ऑफन टू सेव योर करंट प्रोग्रेस। ओके, अवॉइड एनी पॉसिबल कॉन्फ्लिक्ट विद एस्कॉर्ट। ओके, देन डू नॉट ड्राइव आउट एस्टिमेट रूट नॉर फाइलिंग स्टेशन। ओके, रेस्ट स्टॉप्स एक्सेट्रा। ओबे स्पीड लिमिट्स विच विल बी इंश्योर्ड बाई द फ्रंट एस्कॉर्ट व्हीकल। ओके, वॉच आउट फॉर ओवर टेकिंग ट्रैफिक एंड अदर डिलीवरीज और अदर ड्राइवर्स ऑन द रोड्स। चेंज लेन मेनूवर। ओके फाइन, चलो ये हो गया। लेट्स बिगिन। ये अपना फर्स्ट गियर लग गया है, नम निकलते हैं। पहले देख लेते कार्गो कौन सा है। वो इतना बड़ा है तभी ये स्पेशल कार्गो चिल्ला रहे थे। ठीक है, कोई नहीं, करके देखते। है तो बड़ा कार्गो, तो बड़ा है। लेट्स बिगिन दिस नाउ इनसाइड द कैबिन। लाइट्स ऑफ। ओके, डे टाइम है। लोड तो है भाई, आई कैन फील द लोड ऑफ द व्हीकल ट्रेलर ऑन द स्टीयरिंग व्हील। क्लच से भी थोड़ा बहुत हमें ऑपरेट करना पड़ रहा है। धीरे से निकल जाएंगे। पीछे हमें दिख रहा है, यहाँ पे रोड ब्लॉक कर दिया इन लोगों ने अपने लिए। ये शायद फ्रंट व्हीकल है, वो अपने पीछे आएगी जो दिख रही है मैप में। टोटल 300 किलोमीटर्स का डिस्टेंस है। ओके, लेफ्ट जाना है। एक्चुअली वी हैव एस्कॉर्ट व्हीकल इन प्लेस, तो कोई टेंशन की बात नहीं है वैसे। बट यस, थोड़ा बहुत हमें कॉशियसली मूव करना पड़ेगा। अगर हम अर्ली टर्न लेते हैं तो पीछे जो सिग्नल है, पॉसिबिलिटी है कि वहाँ पर टच हो जाए व्हीकल। ओके, हर जगह पे पुलिस ने ब्लॉक लगा के रखा है, फॉर अस ओनली। अच्छी बात है, ऐसे अगर हम हॉल करेंगे तो ऑब्वियसली आसानी होगी। नाइस वन। लोड बड़ा है तो लेन फॉलो करना मुश्किल है, क्योंकि लॉन्ग डिस्ट ट्रेलर की जो लेंथ है वो लॉन्ग है,
तो अगर हम अर्ली टर्न लेते वो तो ट्रक का जो मतलब कैबिन है वो जल्दी मुड़ जाएगा, एंड पीछे ये जो अपना ट्रेलर है लॉन्ग डिस्टेंस वाला, लॉन्ग लेंथ वाला, वो कहीं पर टच होने के चांसेस है। सो इट्स बेटर ड्राइव केयरफुली, नहीं तो अपने को अच्छा पैसा भी नहीं मिलेगा इसमें। नाइस, गुड वन। चेंज मोनोर इज कमिंग, एडप्ट योर स्पीड, अवॉइड कोलिजन्स। ओके, Keep left. यहाँ पे भी एक एस्कॉर्ट व्हीकल ऑलरेडी रुकी हुई है जो हमें बता रही है लेफ्ट लेन से जाना है। नाइस वन। स्पीड बढ़ाते हो तो सामने वाली एस्कॉर्ट व्हीकल भी स्पीड बढ़ाती है। सो इट्स लाइक अपने स्पीड पे उनका स्पीड का जो भी है वो डिपेंड करता है कि हम कौन से स्पीड से जाए। हम कॉशियसली मूव करेंगे। ट्राई करूँगा, फ्यूल इकोनॉमी अच्छी है, ऑलरेडी टैंक फुल है। अवॉइड करेंगे हार्श ब्रेकिंग। ये ऑलमोस्ट हमें 60 की ड्रा स्पीड पे चलाने के लिए मजबूर कर रहे हैं, बट दैट्स फाइन बिकॉज इन रियलिटी व्हेन एवर यू ड्राइव अ लोड लाइक दिस यू शुडन बी ड्राइविंग एट हायर स्पीड्स। ओ थोड़ा यहाँ पे एक हार्श ब्रेकिंग किया गया एस्कॉर्ट व्हीकल की तरफ से, इसलिए हमें भी थोड़ा ब्रेक दबाने का ज़रूरत पड़ गया है। मैंने 57 पे क्रूज कंट्रोल पे डाल दिए गाड़ी। शायद आगे टूल है इसलिए एस्कॉर्ट व्हीकल भी स्पीड डाउन कर रही है। मुझे लगता है मुझे भी ये अच्छी तरह से स्पीड कंट्रोल करना चाहिए। यहाँ पे ऑलरेडी पुलिस लुकी हुई है हमारे लिए, ये हम अच्छे से पास हो जाए यहाँ पर से। ब्रेक दबाते ही क्रूज कंट्रोल कैंसिल हो रहा है, ऑब्वियसली यही होता है इन रियलिटी भी।
60 की स्पीड हम मेंटेन कर रहे हैं। फिफ्टी एट की एक्चुअली। हाँ एस्कॉर्ट व्हीकल स्लो हो जा रही है, हम भी स्लो हो रहे हैं। डिस्टेंस ज़्यादा नहीं है, टोटल जर्नी 300 किलोमीटर की है। मेरा एडास एक्टिव है, तो जैसे ही पेट्रोल व्हीकल स्पीड कम कर रही है तो मेरा एडास किक इन हो रहा है एंड मेरे ट्रक की स्पीड कम हो रही है। कैमरा एंगल्स चेंज करके देखते हैं। क्रूजिंग एट वेरी नॉर्मल स्पीड्स। में कोई हार्श ब्रेकिंग करने की ज़रूरत नहीं है। यू कैन सी हाउ फ्लुएंटली दिस कॉन्वॉय इज गोइंग ऑन। यहाँ पे हम देख सकते हैं थोड़ा सा मैन्यूवर है। बस को जाने देते जो लेफ्ट साइड से आ रही है। लेट इट पास, क्योंकि अगर हमने अच्छे से साइड नहीं दिया किसी को तो वो हमारे कॉन्वॉय के अंदर प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। यहाँ पे थोड़ा स्ट्रेट पैच है, हमें हम थोड़े सिनेमैटिक्स देख सकते हैं। बी ड्राइविंग सम टायर कैम व्यू फॉर नाउ। गियर चेंज कर लेते क्योंकि स्पीड अंडर 40 ड्रॉप हो चुकी है। यहाँ पे कुछ रोड इवेंट है शायद, इसलिए स्पीड कम हो चुकी है। हम भी सेकंड गियर पे आते हैं। इवेंट पास हो चुका है, वी कैन इंक्रीज स्पीड नाउ। मुझे ना लाइव स्ट्रीम चलते टाइम वहाँ उस साइड देखने की आदत है, सो बार बार मेरी नज़र उस साइड जा रही है क्योंकि उस टाइम पे लोग चैट करते हैं, आई रीड द चैट्स। हमारे साथ हेवी टायर्स का कार्गो है। यहाँ पे हमें लेन चेंज करने का इंडिकेटर मिला था फ्रॉम द एस्कॉर्ट व्हीकल, इसलिए हमने भी रेंज चेंज कर ली है। लेट्स फॉलो द रूट एंड द एस्कॉर्ट व्हीकल्स।
ये हमारे सेफ्टी के लिए दी गई है, सो वी नीड टू फॉलो देम। थोड़ा स्पीड कम करना पड़ा मुझे ब्रेक दबा के। आगे भी ट्रैफिक हमारे लिए रोक के रखी गई है बाय द पुलिस, ट्रैफिक पुलिस। वो लोग यहाँ पे रुके हैं, आप देख सकते हो। थैंक यू गाइस, थैंक यू ऑफिसर्स, लेट्स मूव। Again, we have got the indicator to get down to the lane of this freeway. Chalte, let's follow escort vehicle. Only 119 kilometer remaining. स्टीयरिंग का रिस्पांस अच्छा है, मैंने थोड़ा बहुत सेटिंग जो की है वो इंजन के ऊपर भी की है, तो इफ़ माई इंजन इज रेविंग तो उसमें भी मुझे थोड़ा थोड़ा स्टीयरिंग की तरफ से फीडबैक फील हो रहा है। इट्स गुड एक्चुअली, फील्स लाइक यू आर ड्राइविंग अ व्हीकल। लेन चेंज किया है यहाँ पे, जो पीछे वाली एस्कॉर्ट व्हीकल थी उसने लेन्स ब्लॉक कर दी ऑलरेडी, उन्होंने पहले लेन चेंज किया। अगेन हमें लेन चेंज करना है उसके बाद में, एंड देन सामने वाली व्हीकल लेन चेंज करेगी। सिंपल इट इज। फिर से हम आगे बढ़ रहे हैं, हम अपनी रेगुलर स्पीड से जो कि रहेगी 60 किलोमीटर पर आवर। राइट लेन चेंज का मैनूवर था, हमने लेन चेंज कर लिए। वहाँ फिर से हमारे लिए ट्रैफिक रोक के रखा गया था। ओनली 70 किलोमीटर्स रिमेनिंग, वी कैन यूज सम कैमरा पोजीशंस at this speed.
आगे टोल है, सो आई नीड टू स्लो इट डाउन। हमारे लिए अलग से लेन रखी गई है, वो रही और एस्कॉर्ट व्हीकल्स जो हमें डायरेक्शंस दे रही है कि हमें इसी लेन से जाना है, वो रही वहाँ पे। यहाँ पे फिर से ट्रैफिक रोका गया है हमारे लिए, यहाँ पे हमने गेम का ग्लिच फेस कर रहे हैं। लेट्स सी, अभी वो गेम का ग्लिच क्लियर हो गया है। यहाँ पे थोड़ा सा और ग्लिची सिचुएशंस वी आर फेसिंग। ओके, सिचुएशन इज क्लियर्ड। अगेन वी आर मूविंग अलोंग। Cruising at 62 km per hour and only 45 km remaining. Convoy आगे बढ़ रहा है। Again हमारे लिए वहाँ पे traffic cops खड़े थे। Silently I am driving एकदम बढ़िया से आगे बढ़ रहा है। ये Volvo का truck transports के थ्रू जाते हुए साइड से, अभी हमें राइट साइड में टर्न का आगे जीपीएस में दिख रहा है। तो वी आर कीपिंग राइट एंड यस एग्जिट राइट, एंड स्पीड भी शायद हमें कम करनी पड़ेगी, लाइक 20 तक लेके आना होगा। थोड़ा सा यहाँ पे चढ़ान है रोड पे, तो मुझे एक्सेलरेशन देना पड़ा यहाँ पे। यू कैन सी ऑन द आरपीएम मीटर, डेस्टिनेशन पास है, तो मुझे लगता है हमें स्पीड कम कर देनी चाहिए। पुटिंग माय ब्रेक्स ऑन, ओके लेट्स पुट इट इनटू न्यूट्रल before stopping. I think we should go somewhere far now. On second gear, okay. The petrol vehicle is using brakes, so I need to use brakes too. Let's see how it looks. Okay. So this is the convoy. सामने एक पेट्रोल व्हीकल है, पीछे एक पुलिस की व्हीकल है, उसके बाद कंपनी की दो व्हीकल्स है। You can see that. वहाँ पे सामने फिर से ट्रैफिक कॉप्स की तरफ से रोड रोका गया है। आई थिंक आई शुड शिफ्ट टू द फर्स्ट गियर सो दैट स्पीड कंट्रोल में रहे। एंड ये जो हैवी कार्गो ऑन द ट्रेलर है वो अच्छे से अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच जाए। एग्जिट
टू अवॉइड एनी कोलिजन्स। ओके वी आर इन द लेन, वो कर्व पे भी हमने अच्छे से टर्न ले लिया ऑलरेडी, एंड ये सामने हमें कंपनी दिख रही है जहाँ पे हमें ये कार्गो डिलीवर करना है ऑन द राइट साइड। लेट्स सी वेयर आर पेट्रोल व्हीकल्स आर इंडिकेटिंग अस टू गो। ओके राइट साइड लेना है, सो हमें टर्न लेना होगा, और गेट अगर छोटा होगा तो वहाँ पे जगह कम हो सकती है, इसलिए हमें थोड़ा सा लेफ्ट जाना है एंड देन राइट देखते हुए आगे साइड से, थोड़ा सा आगे साइड से ऐसे वी कैन टेक अ राइट, क्योंकि हेड टर्न लेता है एंड देन ट्रेलर फॉलो करता है। सो वो रहा ट्रेलर, हम देख सकते सामने, ओ आई थिंक थोड़ा सा और आगे से टर्न लेना चाहिए क्योंकि यहाँ पे हम फंस सकते हैं, तो अभी हम थोड़ा सा रिवर्स करना होगा। रिवर्स इज अ ट्रिकी जॉब, बट इफ यू नो हाउ टू रिवर्स अ व्हीकल यू कैन डू इट fluently. So, I know how it works. Reverse is always opposite to what you drive. तुम left लेगो तो trailer right जाएगा, तुम right turn करोगे तो trailer left जाएगा. So you have to follow this principle in real also and in game also. So हम अभी थोड़ा आगे से turn करेंगे, थोड़ा सा ट्रेलर को और आगे लेके चलते हैं। ओके नाउ वी कैन टर्न, यस ये लग रहा है कि थोड़ा हमें यहाँ पे टाइम स्पेंड करना है आगे पीछे करते हुए, बट ऑब्वियसली इसी तरीके से हम अगर टर्न करेंगे तो ही ये ट्रेलर अंदर जा पाएगा। अगर हम हार्श टर्न लेते हैं तो ये ट्रेलर अंदर नहीं जाएगा, जो राइट साइड होती है वो वहीं से मुड़ जाती है। सो दिस इज द वे शुड ड्राइव व्हीकल लाइक दिस। जो बड़ी होती है हेवी कार्गो होते हैं, लेंथ में बड़ी होती है। सामने हमें एयरपोर्ट भी दिख रहा है, नाउ वी हैव टू पार्क इन दिस पर्टिकुलर स्लॉट एंड द लोकेशन। हियर वी आर एट द एंड ऑफ आवर जर्नी, सेट द ब्रेक, पार्क द व्हीकल, सी इनसाइड एंड let's put it into park and turn off the engine. Let's unhook. So it's unwinding and this is the way we have finished our job, and the experience with the Logitech G29 is pretty good, and the shifter and the clutch, accelerator, brake, everything feels good. You feel like you are in a real truck or real driving position. So this is the way we are going to end our video here, and we are going to make content like this again. Thank you very much for watching. See you later in the next video. Bye bye.